अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए, क्लास सेवन्थ जनरल नॉलेज की बुक है आपकी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम इसका क्या दिखा देते हैं, कंटेंट ओपन करके इसका सिलेबस बता देते हैं। तो जल्दी से इसका कंटेंट ओपन करिए और सिलेबस देख लीजिए। जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको मार्क करा रखा है सिलेबस, तो हमने बताया था PA2 में आपके चार पार्ट में हमने डिवाइड करा है, चैप्टर नंबर 33 से 48 तक, ठीक है। पार्ट नंबर 8 में हमने चार चैप्टर बताए थे, फिर पार्ट नंबर 9 में चार बताए थे, जो कि पार्ट 8 और 9 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 10, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 10 में कितने चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 4 इसमें हैं। फिर पार्ट नंबर 11 में 1, 2, 3, 4 इसमें रह जाएंगे, ठीक है। तो ये चार चार चैप्टर आपके बाकी हैं, आज हम करने आ रहे हैं पार्ट नंबर 10, ठीक है। तो पार्ट नंबर 10 इसे चार हो जाएंगे हमारे पास रह जाएगा बाकी, तो वो रह जाएगा पार्ट नंबर 11 के चार चैप्टर। तो पार्ट नंबर 10 पेज नंबर 50 से स्टार्ट होगा, यानी चैप्टर नंबर 41 से स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 41, 42, 43, 44, ये चार चैप्टर। तो पेज नंबर 50 सबसे पहले ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 50 ओपन कर लिए, पेज नंबर 50 ओपन करिए और हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पार्ट 10 लिख रखा है और डेट की जगह छोड़ रखी है, क्योंकि डेट आपको डालनी होती है, ठीक है। पार्ट यहाँ पर आप 10 लिख लेंगे, पेज नंबर चैप्टर 41, 42, 43, 44, चारों चैप्टर जो कि पार्ट 10 में आ रहे हैं, सब पर पार्ट 10 लिख लेना है आपको। और यहाँ पर डेट किस दिन की लिखनी है, जिस दिन ये पार्ट 10 की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट 6 है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जितने यूनिट 6 में जितने भी चैप्टर्स हैं, 41, 42, 43, 44, ठीक है, चार पांच चैप्टर जो भी है इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। पहले आ गए हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पजल टाइप का दिया है, इसे पढ़ना है और आपको ये सॉल्व करना है। तो चलिए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। टुडे इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स इन मोस्ट एक्टिविटीज़, ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बच्चों, जो बिजली है, वो हमारी मोस्ट बेसिक नीड्स हो गई है मोस्ट एक्टिविटीज़ में, मतलब हर ज़रूरत में, हर चीज़ों में जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। देख लिए आप, अगर मसाला पीसना है तो मिक्सचर चाहिए, तो उसके लिए हम मिक्सचर, आजकल क्या है लोग बाग मिक्सर में मसाला पीसते हैं, तो क्यों, क्योंकि जल्दी पीस जाता है, या जो भी कहिए, मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ अगर देखी जाए तो वो बिजली से ही चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, ठीक है। वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, जो भी है हमारा ओवन है, ठीक है, और हमारा टोस्टर है, या जो भी है मिक्सर है, या जूसर है, या हम फ्रिज की बात करें, टीवी की बात करें, ठीक है, या अगर हमें मोबाइल भी चलाना है तो वो भी हमारी एक तरह से हम देखें तो बिजली से ही चल रही है। क्यों, क्योंकि अगर बिजली नहीं रहेगी तो हम मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, मोबाइल चार्ज करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ अगर हम रोज़ की ज़िंदगी में देखें तो बिजली के बिना तो हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं रही है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं रही है। अगर हम ट्रेन की बात करें तो आजकल जो हमारी ट्रेन चलती है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, ठीक है, कुछ हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, स्टीम इंजन जो होते हैं वो तो अब चलते नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती है। आपने देखा होगा ट्रेन के ऊपर जो है बड़ी बड़ी केबल लगी होती हैं और उससे वायर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एंटीने टाइप के लगे होते हैं, उससे वायर कनेक्ट होते हैं, तो उनसे भी ट्रेन चलती है। तो मतलब हर चीज़ छोटी से छोटी लें या बड़ी से बड़ी लें, हमारी बेसिक नीड्स बन गई है मोस्ट एक्टिविटीज़ की, क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती मगर वो एनर्जी है, मगर वो हमें दिखाई नहीं देती, ऐसी एनर्जी जो कि हमें दिखाई नहीं देती। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं, नहीं, ना हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, बस हमें पता है कि इसके अंदर बिजली है, इसके अंदर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है इसके अंदर, हमें फील ही तो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फील हो जाता है कैसे, जब हमें शॉक लगता है, जब हमें करंट लगता है तो हमें पता चलता है हाँ इसके अंदर करंट है। तो हमें क्या दिखाई थोड़ी नहीं दे रहा है करंट कैसा है, काला है, नीला है, पीला है, मोटा है, पतला है, कुछ नहीं, बस हमें पता है हाँ कुछ इसमें के अंदर ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी पावर है जिसे छूने पर हमें जो है शॉक लगता है, हमें दर्द होता है, हमें हर्ट करता है, या हमें ये चिपका लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो हम कभी कभी ऐसा होता है हमें करंट लगता है तो ऐसा लगता है हमारा हाथ खींचा चला जा रहा है उसकी तरफ, या हमें वो उसने अपने अंदर बिल्कुल पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, या हाथ जल जाता है। तो बहुत तरह के जैसे शॉर्ट सर्किट होते हैं, ठीक है, उसमें ब्लास्ट होता है तो लोग बग उसमें जो है उनकी चोट भी आ जाती है। तो हमें बस होता है कि हाँ कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत पावरफुल है, या जो नुकसान पहुंचा सकती है, या ऐसी एनर्जी है जिसे हम देख नहीं सकते बस महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कंप्लीट दिस क्रॉस पजल, क्रॉसवर्ड पजल दिया है आपको, ये डाउन वाले हैं, मतलब जो ऐसे ऐसे करके जितने भी हैं ये डाउन वाले हैं, और ये अक्रॉस है, मतलब ऐसे अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस वाले हिंट यहाँ दिए, डाउन वाले हिंट यहाँ दिए। डाउन का दूसरा है इसमें, मतलब दूसरा जो नंबर दिया, देखिए ये डाउन, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन विच अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ये कह रहे हैं ये जो आपका ये है ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके ज़रिए हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इसमें जो है केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो आपने देखा होगा बैटरीज जो होती हैं, आपने इतनी बड़ी भी बैटरी देखी होगी और अपने से भी बड़ी बैटरी देखी होगी मेरे हिसाब से, तो अगर हम बात करें तो बैटरी तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो रोडवेज पे और बाईपास पे चलते हैं उनकी बैटरीज काफ़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, 25-30 किलो की तो उनकी खाली बैटरी होती है।
तो अगर हम देखें तो 250 ग्राम से लेके, मतलब इतनी सी बैटरी से लेके हम जो है कितनी बड़ी बैटरी देख सकते हैं, अगर आपने देखी होगी तो वो जो बैटरी होती है उस वो जो है क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी का ही तो सोर्स है। अगर वो बैटरी नहीं है तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। अगर कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक छोटा सा सेल ले लेते हैं हाथ में और एक छोटा सा बल्ब ले लेते हैं, उसके तार दोनों सेल के दोनों कोने पर लगाते हैं और उसे जलाते हैं। क्या करते हैं वो, कैसे जलता है वो सेल? वो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है उसे, इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा होता है। कहाँ से? उस सेल से, उस बैटरी से। ठीक है, अगर मैं दो सेल को आपस में ज्वाइन कर दूँ तो वो एक बैटरी कहलाती है। और बैटरी भी जो है क्या होता है, ज़्यादातर बैटरी आप आगे जाके पढ़ेंगे तो दो सेल अगर हैं तो वो बैटरी कहला सकते, उसे हम बैटरी कह सकते हैं। ठीक है, यानी बैटरी को जो है सेल से मिलाकर ही बनाया जाता है। जितनी भी बड़ी से बड़ी बैटरी होती हैं, अगर सिंपल वे में देखें तो वो सेल का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का ये सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है। तो ये क्या है, हमारे बैटरी, BA, यहाँ देखिए BATTERY, बैटरी। ठीक है, इसे आप लिख लिए। सेकंड, थर्ड है मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ये कह रहे हैं वो मटेरियल जिसकी मदद से हमारे इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट पास हो जाता है। तो आपने देखा होगा बच्चों, लोहे की जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, और लकड़ी के सामान से, प्लास्टिक के सामान से, इनसे करंट पास नहीं होता है। तो जिनसे करंट पास हो जाता है, जिस चीज़ों से करंट पास हो जाता है, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं हम कंडक्टर। क्या? कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर्स। वो बस ड्राइवर, बस वाला कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो इंसान होता है। कंडक्टर उस सारी चीज़ों को कहते हैं जिसके अंदर से करंट पास हो जाए। जैसे कि अगर मैं पेंसिल की नुक की बात करूं बच्चों, जैसे हमारी पेंसिल है तो इसके अंदर जो ब्लैक कलर की इसे कहते हैं लेड। ये क्या होती है? लेड होती है। ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही है ना ये नोक, ये नोक जो है लेड होती है। अगर आप इस पेंसिल को एक इस तरफ से भी छिल दें और दूसरी तरफ से भी छिल दें, क्या इस तरफ से छिल दें और दूसरी तरफ से छिल दें, और इधर जो है अगर आप सेल टच करें और इधर जो है बल्ब टच करें, ठीक है, मतलब दोनों दो पेंसिल लेके ऐसे ही, तो वो बल्ब जल जाएगा। क्यों? क्योंकि लेड एक ऐसा मटेरियल है जिससे जो है करंट पास हो जाता है, और प्लास्टिक ऐसा मटेरियल जिससे करंट पास नहीं होता है। तो हमारा जो इसके अंदर जो ब्लैक कलर की जो नुक होती है, जो इसके अंदर निप होती है, ब्लैक कलर की पिन जो होती है, नुक जो होती है इसकी, वो भी हमारी क्या होती है, जो इसके अंदर ब्लैक ब्लैक भरा हुआ। देखिए मैं इस पेंसिल में दिखाता हूँ, ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो चलिए कोई बात नहीं, अपनी पेंसिल में देखिए, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक इसके अंदर जो ये भरा हुआ है, इसे कहते हैं हम लेड। ये लेड जो होता है ये करंट पास कर देता है। तो ऐसे मटेरियल जो करंट पास कर दें उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कंडक्टर्स। फोर्थ है हमारा एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बताइए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं कि कितना चार्ज है। आपने देखा होगा कभी कभी हम चेक करते हैं कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज कितने आ रहे हैं ज़रा चेक करके आओ। कभी कभी आपने सबमर्सिबल चलाया होगा, जब आप कभी सबमर्सिबल चलाते होंगे अपने घर का, तो उसमें एक ऐसे करके सुई होती है, जब आप जैसे ही सबमर्सिबल के लिए उसे ऊपर करते हैं, उसका जो MCB होता है, तो वो सुई ऐसे हो जाती है, इधर उधर होती है यूं करके, वो सुई ऐसे करके हो जाती है 200 पे, कभी 250 पे, ऐसे दिखा रही होती है। तो वो दिखा रही होती है कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ठीक है, अगर 200 से नीचे होते हैं तो लोग बाग सबमर्सिबल नहीं चलाते हैं, क्योंकि फिर इतने कम करंट पे, इतने कम वोल्टेज पे सबमर्सिबल नहीं चल पाता है, तो उसमें फूकने के चांसेस होते हैं, ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए वहाँ पर पहले से वोल्ट मीटर दिया होता है, वो सुई ऐसे करके जाती है, वो बताती है कितने वोल्टेज करंट आ रहा होता है। तो वही वोल्ट मीटर होता है, वो बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर। यहाँ पर लिखा है वोल्ट मीटर, आप देख लिए। ठीक है, सिंपली पढ़ें तो वोल्ट एमीटर लिखा है, अगर वोल्ट मीटर पढ़ते हैं इसे। सिक्स्थ है द इलेक्ट्रिक चार्ज विच फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रिक चार्ज को जो एक जगह से दूसरी जगह बहता है, फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं करंट। उसी तो हम कहते हैं करंट। ठीक है, अगर हमारे वायर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं हमारे, अगर करंट पास होता है तभी तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर, बिजली है। अगर करंट पास ही नहीं हो रहा है तो जैसे हमने टीवी चलाई, टीवी प्लग लगा दिया हमने बोर्ड में और बटन ऑन नहीं किया, स्विच हमने ऑन नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, अगर स्विच स्टार्ट नहीं करेंगे तो टीवी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी ना। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो रहे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आ नहीं पा रहे हैं उस तक, तार में पहुंच नहीं पा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो तार में पहुंच नहीं पाते हैं उसे ही तो हम कहते हैं करंट नहीं आ रहा इसके अंदर। ठीक है, या हमें शॉर्ट लग जाता है, कभी करंट लग जाता है, हम कहते हैं इसके अंदर तो करंट आ रहा है, यानी वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम कोई लोहे का चीज़ छू लेते हैं जहाँ पर तार कटा हुआ, या कुछ ऐसा तार छू लेते हैं, या कभी प्रेस से करंट मार देता है, या कोई चीज़ ऐसी है जिससे हमें करंट लग जाता है, तो हम कहते हैं हमें करंट लग रहा है इससे, ये करंट मार रही है प्रेस, ऐसे तो कहते हैं हम कि प्रेस में करंट आ रहा है, कूलर में करंट आ रहा है। तो करंट आने का मतलब क्या है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम कहते हैं करंट, कि करंट मार रहा, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने को हम कहते हैं करंट फ्लो हो रहा है।
आगे जाके आप डीपली समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बहुत आगे जाके बहुत। अभी आपके पास तीन, मेरे हिसाब से दो साल हैं, एक तो सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, फिर उसके बाद सिक्स पास करते ही सेवन्थ एट्थ जैसे आप करेंगे। अगर सेवन्थ के स्टूडेंट तो सेवन्थ एट्थ पढ़ना है, उसके बाद नाइन्थ में आ जाएगा, ठीक है। सिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए सिक्स सेवन्थ एट्थ है, वो फिर नाइन्थ में आएगा, मतलब नाइन्थ टेंथ में ये आपकी शुरू हो जाएगी फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में भी आप फिर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जब इलेवंथ में आ जाएंगे। अक्रॉस की बात करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वाले आप पजल्स देखते हैं, तो यहाँ पर है फर्स्ट इन पावर स्टेशन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टर्न्स द मोटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये बताइए जो पावर स्टेशन जो होते हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पर वाटर जो है मोटर को जो है घुमाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो जो है वाटर जिसे घुमाता है उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है टर्बाइन। बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहला देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है अक्रॉस, अक्रॉस मतलब ये, और दूसरा मतलब डाउन, ये डाउन है ना नीचे, ये अक्रॉस, ठीक है। तो इसे कहते हैं टर्बाइन। आपने टर्बाइन देखे होंगे, बड़े बड़े जो है बड़े से पोल होता है, उसके ऊपर बड़ा सा ये पंखा लगा होता है, तो कुछ जहाँ पर हवा तेज़ चलती है वहाँ पर इलाकों में लगते हैं, या वहाँ पर लगते हैं जहाँ पर पानी गिरता है, तो पानी जब उसके ऊपर पंखड़ियों के ऊपर गिरता है तो पंखड़ी घूमना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ से पानी गिर रहा है, उस ये पंखड़ी एक ऐसी है, जब वो ऐसे घूमती है ऐसे करके तो पानी गिरता रहता है, ये पंखड़ी घूमती रहती है। ऐसे क्या होता है, जब वो घूमना शुरू हो जाती है तो उससे मोटर लगी होती है, उससे तार लगे होते हैं, ठीक है। जब उसके तार जो है मोटर तक जाते हैं, बैटरी तक जाते हैं, तो वो बैटरी चार्ज हो जाती है। और ऐसे ही उन एरियाज़ में जहाँ पर जो है पानी, मतलब जहाँ पर बिजली नहीं है, या सिंपली अगर हम बात करें तो हम पेट्रोल डीजल या कोई और चीज़ यूज़ करके हम मोटर चलाने से बेहतर है कि हम फ्री की बिजली बनाएं, कैसे, पानी की मदद से। पानी तो हमारा क्या है, एक क्या है, इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जो ख़त्म नहीं होगा, रिन्यूएबल है। बारिश हुई फिर आ गया, फिर भाप बन के उड़ गया फिर आ गया, तो इससे क्या है पानी तो ख़त्म नहीं होगा, और वो ऐसा भी नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। तो पानी तो हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, टर्बाइन जो होती है हमारी उसे घुमाते हैं और उससे हम बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। उससे बड़ी बड़ी बैटरीज कनेक्ट कर देते हैं, वो चार्ज हो जाती है। फिर आया फिफ्थ, द पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। ये कह रहे हैं वो पाथ जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, मतलब बहती है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। आपने कभी सुना होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर साइंस में आपने कभी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया होगा, तो जहाँ से जिस रास्ते से हमारी बिजली दौड़ती है, जिस रास्ते से बिजली निकलती है, बहती है, करंट पास होता है, उस रास्ते को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे घर में जहाँ जहाँ पूरे बोर्ड, स्विच, बल्ब, पंखे फंखे जो भी हैं, कूलर वूलर, जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी हमारी जा रही है, उस पूरे को हम कहेंगे कि हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट छोटा सा भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट होने के लिए क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए, यानी बटन चाहिए उसका स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और वायर चाहिए उसे कनेक्ट करने के लिए, और एक बैटरी चाहिए, ठीक है, बैटरी चाहिए, और कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसे हम चला रहे हैं, जैसे कि पंखा है या बल्ब है। तो आप साइंस में ये एक आपका वो होगा मतलब होमवर्क होता है, एक स्कूल में, हर स्कूल में देते हैं कि आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए। तो बच्चे क्या करते हैं, छोटा सा एक बल्ब ले लेते हैं, उसमें दो छोटे छोटे वायर लगा देते हैं दोनों कोने पर, उसके दोनों टर्मिनल्स पर, और फिर एक तार उसका बैटरी में लगाते हैं, एक तार जो है बटन में लगाते हैं, यानी स्विच होता है, फिर स्विच का दूसरा तार उस दूसरी बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके फिर इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, तो हमारा हो गया सर्किट। फिर हमारा सेवन्थ देखिए, मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। वो बताइए मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पाए। पहले हमने बताया था मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन करंट फ्लो, जिससे करंट फ्लो कर जाए उसे तो हमने बताया था कंडक्टर, जिससे फ्लो ना करे उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं, जिसके अंदर से करंट पास ना हो। जैसे मेरी लकड़ी को अगर मैं एक तरफ से करंट का तार लगा दूं और दूसरी तरफ से लकड़ी को पकड़ लूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा, मगर अगर मेरे एक कोई ऐसा तार है जिसमें बिजली है, करंट है, तो मैं उसे किसी लोहे पे लगा के उस लोहे को छू लूं तो मुझे करंट लग जाएगा, क्योंकि लोहा जो है कंडक्टर होता है और लकड़ी जो है वो इंसुलेटर होता है, क्योंकि वो लकड़ी जो है इंसुलेटर है, क्यों, क्योंकि वो करंट पास नहीं करती। तो जो भी चीज़ करंट पास नहीं करती है उसे हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जीके, हो सकता है बच्चे कुछ रट लेते हों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जीके रटिए मत, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना इसे आप अच्छे से समझ लिए। ज़्यादातर अब जो इसमें कुछ स्पेसिफिक ऐसे चैप्टर्स दिए हैं आपको, जो कि आप एट्थ में नाइन्थ में पढ़ेंगे, तो आपको अभी से तैयार कर रहे हैं ये लोग, अभी से ये शेप दे रहे हैं, अभी से आपको ये तैयार कर रहे हैं कि आपको नाइन्थ के लिए आपको पता चल जाए। अब नाइन्थ में जाएंगे, वोल्ट मीटर क्या होता है, सर्किट क्या है, सर्किट कंडक्टर इंसुलेटर ये तो आप अभी सुन लेंगे, ठीक है, जनरेटर्स की पूरी स्टडी होगी, ठीक है, और ये वोल्ट मीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ आप जाके जब सुनेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था कि इससे वोल्टेज पता होते हैं कि कितना वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक चार्ज पता चलता है। तो आपको उस टाइम ये चीज़ें नई लगेंगी, थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ इसमें कुछ नया है, मगर आपको सुना रहेगा तो इस चीज़ से फिर डर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये अभी से आप सुन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ हम इसके बारे में सुन चुके हैं, चाहे आपको कुछ याद ना हो, मगर सुने रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी अगली उसे पढ़ने में।
एट है हमारा मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय दीज डिवाइसेस इनसाइड विच कॉइल्स ऑफ वायर स्पिन रैपिडली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहे हैं जो ज़्यादातर बिजली जो है इसी डिवाइसेस के ज़रिए पैदा होती है, तैयार की जाती है, जिसके अंदर कॉइल्स ऑफ वायर मतलब वायर जो होते हैं उसके कॉइल्स बना दिए जाते हैं छल्ले बना के, जैसे स्प्रिंग होती है हमारी उस तरह से कॉइल्स ऑफ वायर जो हैं स्पिन होते हैं रैपिडली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल्स ऑफ वायर जो है स्पिन करते रहते हैं, उसे हम कहते हैं जनरेटर्स। जो हमारे घरों में आपने देखा होगा जनरेटर, कभी कभी ऐसा होता है लाइट चली जाती है तो कुछ लोग पहले, अब तो हमारे इन्वर्टर आते हैं ठीक है, पहले क्या होता था जनरेटर होते थे, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का बड़ा सा एक जो है लोहे का जनरेटर होता था, उसमें पेट्रोल या डीजल सॉरी डीजल डालते थे उसके अंदर और डीजल डालते थे और वो फिर उसे हत्ते उसका हैंडल होता था उसे घुमा के चलाया जाता था, चला के उसे फिर छोड़ देते थे, काफ़ी धुआं निकलता था तो पोल्यूशन वोल्यूशन होता था, बहुत धुआं निकलता था ठीक है, मस्जिद के अंदर मंदिरों के अंदर या ऐसी जगह पर जैसे शादियाँ हैं वहाँ पर तो शोर भी बहुत होता था, बहुत तेज़ तेज़ शोर करता था वो जब वो चलता था, लाइट जाने पर लोग बाग उसे यूज़ करते थे फंक्शन के अंदर, जैसे कोई फंक्शन है शादी है तो वहाँ पर तो बिजली की ज़रूरत है तो पहले इन्वर्टर इन्वर्टर होते नहीं थे तो पहले जनरेटर ही होते थे, उसके अंदर डीजल डाला फिर उसका हत्ता होता था ऐसे ऐसे करके घुमाते थे उसे, घुमा के उसे छोड़ देते थे फिर वो चलने लगता था, मगर उससे बहुत धुआं निकलता था, बहुत गंदा काला काला धुआं निकलता था, पॉल्यूशन होता था और बहुत ज़्यादा शोर होता था कि यहाँ तक कि अगर आसपास के लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं तो वो सुन भी नहीं सकते, इतना शोर होता था। फिर बाद में इन्वर्टर आ गया तो जनरेटर का यूज़ करना लोगों ने ख़त्म कर दिया, जनरेटर अब कहीं कहीं यूज़ होते हैं तो बड़े बड़े फंक्शंस में जहाँ पर इन्वर्टर लोड नहीं उठा सकते, अब जैसे बहुत बड़ा फंक्शन है ठीक है, अब हज़ार गज की ज़मीन है वहाँ पर लोग बाग को रोशनी चाहिए तो अब इतनी बड़े एरिया में इन्वर्टर जो है लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, तो खुला एरिया है मैदान वाला एरिया है वहाँ पर वायर कहाँ लगाएंगे, कहाँ तार कनेक्ट करेंगे, कहाँ जनरेटर है तो जनरेटर को भी तो बिजली चाहिए उसे भी तो चार्ज होना चाहिए सॉरी इन्वर्टर को, तो वहाँ पर जो है जनरेटर हमारे ले जाए जाते हैं मगर बहुत शोर करता है बहुत धुआं करता है, तो ये अब जो है ख़त्म ही हो रहे हैं बिल्कुल, इसका इस्तेमाल कम कर दिया है लोगों ने क्योंकि इन्वर्टर जो है ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं उससे इतना ज़्यादा शोर नहीं होता है ना ही कोई ऐसा एयर पोल्यूशन होता है। चलिए तो इसे फिल करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इसका पेज नंबर 51 पर ऊपर देखिए पेज चैप्टर नंबर 42 सैटेलाइट। अब यहाँ पर सैटेलाइट के बारे में देखेंगे हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 10 है यहाँ पर भी और डेट भी वही लिखनी है, डेट तो मैं आपको बार बार बताता हूँ किस दिन की लिखनी होती है, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी मतलब पार्ट 10 पढ़ा रहा हूँ ना तो पार्ट 10 की वीडियो जिस दिन अपलोड होगी उस दिन की डेट सभी पेज पर जो जो हमारे पार्ट 10 में आ रहे हैं। सैटेलाइट अ सैटेलाइट कैन बी डिफाइन एज एन ऑब्जेक्ट एन ऑर्बिट्स दैट ऑर्बिट्स अराउंड अनदर लार्जर ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं सैटेलाइट हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता हो, जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा अर्थ है हमारी जो हमारी हमारी धरती है इसके चारों तरफ जो सूरज होता है, नहीं देखा होगा नहीं सुना होगा तो अब सुन लिए हम बता रहे हैं, जो मून है मून को जो है नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है अर्थ का, क्यों क्योंकि जो चांद है वो हमारी धरती के चारों तरफ घूमता रहता है और वो हर चीज़ जो कि बड़ी चीज़ के चारों तरफ हर छोटी चीज़ एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमती हो उसे हम कहते हैं मून सॉरी उसे हम कहते हैं सैटेलाइट, तो मून भी जो है हमारे सैटेलाइट की तरह ही हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है इसलिए हम उसे कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल क्यों लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि ये कुदरती सैटेलाइट है, कुदरत ने बनाया है इसे, ऊपर वाले ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया है ठीक है। मैन हैज सेंट मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस, और जो इंसान है उसने भी काफ़ी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी स्पेस में भेजी हैं। आपने कभी सुना होगा ये सैटेलाइट होती है जैसे हम बात करते हैं टेलीविज़न है टीवी चला रहे हैं मोबाइल पे बात कर रहे हैं कोई भी रेडियो सुन रहे हैं कोई भी जो टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल वो सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट की मदद से चल रही है। या अगर हम आपने कभी देखा होगा कि अर्थ ऐसी ब्लू कलर की दिखती है जैसे यहाँ पर अर्थ दिख रही है हल्की हल्की पूरी पिक्चर नहीं है आधी है, तो ये ऐसे कैसे दिख रही है, ऊपर से जाके कोई कैमरा लेके खड़ा थोड़ी नहीं था कि ऊपर गया स्पेस में वहाँ से फिर चांद से खड़े होकर फोटो खींचा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सैटेलाइट ऊपर भेज दी जाती हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती हैं ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स से भेज दी जाती हैं, तो जो अलग अलग प्लैनेट्स की फ़ोटोज़ ली गई हैं वो ऐसी ली गई हैं जैसे अर्थ के चारों तरफ भेज दिया अर्थ के चारों तरफ वो घूमती रहेगी, तो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करती है ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं सैटेलाइट ठीक है। अब जो है हो सकता है जुपिटर की अपनी सैटेलाइट हो ठीक है, सैटर्न की अपनी सैटेलाइट हो, यूरेनस की अपनी हो, मरकरी की अलग हो, वीनस की अलग हो, है सबकी है, उन सबके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट हैं सबके चारों तरफ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि घूमती रहती है, जैसे इन हमारे अर्थ का एक मून है एक चांद है, तो ऐसे कुछ प्लैनेट तो ऐसे हैं जिनके तीन तीन चांद हैं दो दो चांद हैं ठीक है, अभी आप सुन रहे हैं मगर साइंस में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बाकायदा उसके नाम भी बता जाएंगे आपको। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के बारे में कुछ बात करेंगे, यहाँ पर ए है हमारा फर्स्ट है यहाँ पर डैश ऑर्बिट्स इज एन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट अर्थ। ये कह रहे हैं कौन सी वो ऑर्बिट जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ के अराउंड है उसे हम क्या कहते हैं, जिस पे हम रह रहे हैं जो हमारा अर्थ है उस प्लैनेट के अराउंड जो हमारी ऑर्बिट है उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक ऑर्बिट, जो हमारे अर्थ की ऑर्बिट है उसके चारों तरफ ठीक है, अराउंड द प्लैनेट अर्थ, अर्थ के प्लैनेट के चारों तरफ जो ऑर्बिट है हमारी उसे हम कहते हैं जियोसेंट्रिक ऑर्बिट
ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है? जिसके ऊपर हमारी प्लैनेट मूव करते हैं, घूमते हैं। सन बीच में होता है, सन के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट घूमते हैं, तो ऐसा नहीं है कभी अर्थ यहाँ पर घूम रहा है, कभी इस जगह घूम रहा है, कभी इतनी दूर है, कभी इतनी दूर है, नहीं, अपनी जगह पर ही घूमता हमेशा और हमेशा अपनी ऑर्बिट पर, जो अपनी पाथ है, अपना जो रास्ता है, ठीक है। सेकेंड है, द सैटेलाइट इन अ डैश ऑर्बिट अपेयर्स स्टेशनरी इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ। ये कह रहे हैं वो सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाती हैं, वो ऑर्बिट जिसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कैसे भी समझाएं अगर, तो सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है वहाँ पर जो हमारी सैटेलाइट होती हैं वो स्टेशनरी दिखती हैं, मतलब रुकी हुई दिखती हैं। ऐसा लगता है कि स्काई में अर्थ से अगर देखा जाए, मतलब हम तो नहीं देख सकते, मगर अगर हम अर्थ से देखें सिंपली, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे देख सकते हैं, हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, जैसे हम बैक्टीरिया नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, ऐसे हम इन्हें नहीं देख सकते। तो अगर हम बात करें तो अर्थ से अगर हम स्काई में देखें और स्टेशनरी अपेयर हो अगर कोई सैटेलाइट, तो हम समझ जाएंगे कि वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर है, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जितने भी सैटेलाइट हैं वो हमारे स्टेशनरी यानी रुके हुए दिखते हैं। स्टेशनरी मतलब एक जगह ठहरा हुआ, ठीक है, स्टेशनरी मतलब ठहरा हुआ, एक जगह रुका हुआ, तो हम उसे क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। फिर हमारा थर्ड है, डैश ऑर्बिट इज़ एन ऑर्बिट वेयर द सैटेलाइट हैज़ एन ऑर्बिटल पीरियड इक्वल टू द एवरेज रोटेशनल पीरियड ऑफ द बॉडी बीइंग ऑर्बिट एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। अभी थोड़ा बड़ा है, ये कह रहे हैं जियोसिंक्रोनस जो ऑर्बिट है वो एक ऑर्बिट है जहाँ पर सैटेलाइट जो है हमारी क्या है, हैज़ एन ऑर्बिटल पीरियड, उस जो सैटेलाइट होती हैं उसका एक अपना ऑर्बिटल पीरियड होता है, किसके बराबर होता है वो, इक्वल टू द एवरेज रोटेशनल पीरियड ऑफ द बॉडी, उस बॉडी के, वो उस बॉडी के एवरेज रेशनल पीरियड के बराबर होता है जो कि बीइंग ऑर्बिट ऑफ द बॉडी, बीइंग ऑर्बिट जो कि ऑर्बिट हो रही है, मतलब वहाँ पर ऑर्बिट पे है, मौजूद है, एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, और उसी जो सेम डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन है उसी में देखा जाता है। मतलब सिंपल अगर हम बात करें, जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है वो एक ऐसी ऑर्बिट है जहाँ पर सैटेलाइट जो है उसका ऑर्बिटल पीरियड जो है अपने खुद के एवरेज रोटेशनल पीरियड ऑफ द बॉडी बीइंग ऑर्बिट, जो कि वहाँ पर बॉडी जो है ऑर्बिट हो रही है उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में अगर देखें, रोटेशन का जो सेम डायरेक्शन होता है उसके एवरेज रोटेशनल पीरियड के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें आप जो है साइंस में पढ़ेंगे डिटेल में, सिंपल मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूँ, वरना तो बस लिखना है इसे, आप लोग तो रट ही लेते हैं, समझते तो है नहीं, ठीक है, समझना वैसे ज़रूरी है। बी है, मैच द कंट्रीज विच लॉन्च दी सैटेलाइट इनटू स्पेस। ये स्पेस के नाम है, ये कंट्रीज़ के नाम है, ये बताना है कौन सी सैटेलाइट कौन सी स्पेस ने, कौन सी कंट्री ने भेजा है। स्पुटनिक फर्स्ट, यहाँ पर स्पुटनिक है खाली, तो स्पुटनिक जो है ये अक्टूबर 4, 1947 में, यानी 4 अक्टूबर 1957 में भेजा गया था, और किसने भेजा था, ये भेजा था यूएसएसआर ने भेजा था ये। सेकंड है एक्सप्लोरर फर्स्ट, एक्सप्लोरर आई ये फरवरी फर्स्ट और 1958 में, यानी 1958 साल था, और फर्स्ट फरवरी, पहली फरवरी को भेजा गया था ये, और ये भेजा किसने था, ये भेजा गया था यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भेजा गया था। फिर है एस्टेरिक, नवंबर 26, 1970 को भेजा गया था, ये भेजा था फ्रांस ने। अब ये भेजा था आप समझ रहे होंगे ये क्यों भेजा था भैया, ये इसलिए भेजते हैं कि वहाँ पर जाके सैटेलाइट जब ऊपर जाती हैं तो वहाँ से वहाँ अलग अलग तरह की डिटेल मिल जाती हैं, ठीक है, यहाँ बैठे बैठे वहाँ से अलग अलग तरह के पिक्चर्स स्पेस की, स्पेस में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बैठे बैठे देख सकते हैं, हम नहीं मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। फोर्थ है ओसुमी जो है ये फरवरी 11 को 1976 में भेजा गया था, ये भेजा था जापान ने, ओसुमी नाम से आपको समझ में आ गया होगा ये जापान वालों का ये। फिर है डोफेंग होंग भेजा था 24 अप्रैल को 1970 को, ये भी भेजा था, ठीक है, ये भेजा था हमारा चाइना ने सी, ठीक है, फिफ्थ हमारा सी चाइना। फिर है प्रोस्पेरो एक्स थ्री अक्टूबर 28 को भेजा था 1971 को, प्रोस्पेरो एक्स थ्री, ये भेजा गया था यूएसए के ज़रिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ज़रिए। फिर सी है हमारा नेम दीज इंडियन सैटेलाइट, ये इंडियन सैटेलाइट के नाम है, ठीक है, जो इंडिया के ज़रिए सैटेलाइट्स ऊपर भेजे गए हैं, स्पेस में भेजे गए हैं, उनके नाम है यहाँ पर। चलिए वन बाय वन करते हैं, पहला है हमारा इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो ऑन 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम अ कॉस्मोड्रोम इन द यूएसएसआर। ये कह रहे हैं सबसे पहली इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी जो कि इसरो के ज़रिए, इसरो जो है हमारा इंडिया का है ये, ठीक है, जैसे नासा जो है वैसे हमारा ये इसरो इंडिया का है, तो इसरो जो है इंडिया की पहली सैटेलाइट जो इसरो के ज़रिए भेजी गई थी 19 अप्रैल को, ठीक है, 1975 को, कहाँ से, कॉस्मोड्रोम इन द यूएसएसआर, यूएसएसआर के अंदर जो कॉस्मोड्रोम है वहाँ से भेजी गई थी, इसका नाम है आर्यभट्टा, लिखा है आर्यभट्ट पढ़ते हैं,
आर्यभट्ट एक लेडी थी, वो सबसे पहले स्पेस में गई थी, ठीक है, उनके नाम पे ये आर्यभट्ट पड़ा। सेकंड है, सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी है, आर्यभट्ट, 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को भेजी गई थी, इसरो ने भेजी थी। सेकंड है, इंडिया सेकंड सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम USSR ऑन 7 जून 1979। ये कह रहे हैं जो इंडिया की सेकंड सैटेलाइट जो कि USSR ने 7 जून 1979 को भेजी थी वो कौन सी थी, भास्कर, क्या है, भास्कर लिखा है ये, भास्करा लिखा है मगर भास्कर पढ़ते हैं, इसे ए साइलेंट है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, ये क्या लिखा है, भास्कर। फिर तीसरी यहाँ पर फिर है, इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट लॉन्च इन कैप कैनेवरल ऑन 10 अप्रैल 1982। इंडिया की पहली मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट जिससे एक काम नहीं काफ़ी काम किए जा सकते हों, ऐसे सैटेलाइट जो कि कहाँ पर हुई थी, लॉन्च इन केप कैनेवरल इन ऑन 10 अप्रैल 1982, क्या नाम है उसका, इनसेट फर्स्ट ए यानी 1A। फिर फोर्थ है हमारा यहाँ पर देखिए, इंडियाज़ फिफ्थ सैटेलाइट एंड द फर्स्ट एवर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इंडिया की पहली सैटेलाइट और पहली जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो कि फ्रेंच गुआना से 19 जून 1981 को लॉन्च की गई थी, मतलब वहाँ से छोड़ी गई थी, उसका नाम था एप्पल, ठीक है, उस सैटेलाइट का। फिफ्थ है, दिस मोस्ट एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इन द वर्ल्ड वॉज पुट इन टू ऑर्बिट ऑन 28 दिसंबर 1995 फ्रॉम रशिया। ये जो है सबसे ज़्यादा एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि वर्ल्ड की सबसे पहली, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ठीक है, ये इन ऑर्बिट में कब पहुंचाई गई, 28 दिसंबर को 1995 फ्रॉम रशिया, क्या नाम है इसका, IRS IC। फिर सिक्स्थ है हमारा, डेडिकेटेड टू ओशियन रिसर्च दिस सैटेलाइट वॉज लॉन्च ऑन 23 सितंबर 2009। ओशियन सेट सेकेंड, ये जो है ओशियन रिसर्च को डेडिकेट करा इसने, मतलब करने के लिए सिंपली ये हमारी जो सैटेलाइट है भेजी गई थी 23 सितंबर को, ठीक है, 2009 में। इसका नाम क्या है, ओशियन सेट टू SAT सेट। फिर सेवन्थ है हमारा, 13 इन द IRS सीरीज़ ऑफ इसरो, इसरो की जो IRS सीरीज़ है उसमें 13 नंबर पे जो है ये है, दिस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वॉज लॉन्च ऑन 28 अप्रैल 2008। ये 2008 में भेजी गई थी 28 अप्रैल को, तो इसका नाम क्या है, कार्टोसेट 2A। ये आपके इसमें नहीं दिया है, ठीक है, 6 ही खाली दिए हैं इसमें, जो आपके ये आंसर शीट होती है इसमें बहुत गलतियाँ भी हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा उसे मत देखा करिए कि आप सोचें कि इस वीडियो नहीं देखनी है, आंसर शीट में जो है वो कर लेंगे, आंसर शीट में कर लेंगे, हो सकता है एग्ज़ाम में नंबर ही मिल जाए, ठीक है, मगर मैं तो नहीं दूंगा नंबर, दूसरा टीचर हो सकता है वो कॉपी पेस्ट करा के दे दे, मैं पूरा चेक करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं आंसर शीट में गलत तो नहीं है, अगर आंसर शीट में गलत होता है तो मैं इसे दोबारा सही करता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं आंसर जो आंसर शीट में यहाँ पर जैसे आर्यभट्ट लिखा है वहाँ पर कुछ और लिखा हो, तो वो अगर आप मैं वही लिखा दूं आपको तो आप तो गलत याद कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो सोचते होंगे कि ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, कुछ होते हैं वो खाली एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ते हैं, कुछ होते हैं याद रखने के लिए पढ़ते हैं। अब जैसे पहली सैटेलाइट इंडिया की आर्यभट्ट है, काफ़ी बच्चे याद रखेंगे कि पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट है, कई जगह पर पूछ लिया जाता है, तो अगर यहाँ पर मैं गलत लिखवा देता, हो सकता है बुक में गलत लिखा हो और मैंने यहाँ पर गलत लिखवा दिया, तो उस बच्चे ने भी तो गलत लिख लिया, वही पढ़ लेगा वो, तो क्या फ़ायदा, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार आप वीडियो देख लिया करिए, ठीक है, बहुत सी मिस्टेक्स आपके यहाँ पर इसमें होती हैं आंसर शीट में जो कि हम यहाँ पर सही करके लिखवाते हैं। फिर है हमारा कैमरा एंड एक्टिविटी, चलिए देखते हैं, ये भी पार्ट 10 है हमारा, यहाँ पर हमारा डेट वही डेट जिस दिन पार्ट 10 अपलोड होगा, इन 1826, ठीक है, इन 1826 जोसेफ नाइस फॉर जो 1826 की बात कर रहे हैं, 1826 की, जोसेफ नाइस फॉर प्रोड्यूस कैमरा द फर्स्ट फोटोग्राफ यूजिंग बिटुमिन ऑन अ प्यूटर प्लेट। प्यूटर प्लेट एक होती है उसके ऊपर फोटोग्राफ यूज़, मतलब पहला फोटोग्राफ जो इन्होंने फोटोग्राफ कैमरा बनाया था वो जो है बिटुमिन को यूज़ करके प्यूटर प्लेट पर बनाया गया था, ही कॉल्ड इट हेलियोग्राफ। इन्होंने इस फोटो मतलब इस कैमरा को कहा था हेलियोग्राफ, क्या कहा था, हेलियोग्राफ नाम दिया था इसे। फिर है बिटवीन 11 to 16 centuries कैमरा ऑब्सक्यूरा वॉज यूज टू शो द इमेजेस ट्रेस बाई हैंड, क्या ये कह रहे हैं, 11 से 16 सेंचुरी तक जो कैमरा जो है ऑब्सक्यूरो वो किस लिए इस्तेमाल होता था, जो इमेजेस जो है हाथ के ज़रिए ट्रेस की जाती थी, छापी जाती थी, उसे शो करने के लिए जो है ये कैमरा इस्तेमाल होता था। देखिए यहाँ पर वुड का दिख रहा है आपको, लकड़ी का, और यहाँ पर एक कैप टाइप का जो आगे से बंद भी हो जाता है, बहुत पुराने कैमरे हैं अब तो ये देखना भी मुश्किल है।
हो सकता है म्यूजियम वेजू में रखे हों। चलिए थर्ड देखते हैं, विलियम टेलबॉट बिकम द फर्स्ट पर्सन टू मेक पॉजिटिव फ्रॉम द नेगेटिव इन 1835। ये कह रहे हैं ये जो विलियम टेलबॉट थे ये पहले एक ऐसे आदमी थे जो कि पॉजिटिव जो है नेगेटिव से 1835 में बनाया इन्होंने, मतलब 1835 में ये पहले एक ऐसे हम कह सकते हैं कामयाब आदमी थे जो कि पहले आदमी बने जिन्होंने पॉजिटिव से नेगेटिव जो है बनाना शुरू किया। He also published a book illustrated with photographs in 1844। इन्होंने यहाँ तक कि एक ऐसी बुक भी छापी जो कि पूरी जो है फोटोग्राफ से भरी हुई थी, फोटोग्राफ्स के बारे में था उसमें 1844 के अंदर 1844 में। इन 1861 जेसी मैनवेल क्रिएटेड फर्स्ट कलर फोटोग्राफ। 1861 में जो जेसी मैनवेल थे इन्होंने पहला कलर फोटोग्राफ बनाया था। आपने देखा होगा बच्चों, अगर आपने देखा नहीं होगा सुना नहीं होगा तो कम से कम हो सकता है कभी फ़ोटो देखा हो घर में रखा हुआ, तो ऐसा लगता था प्लास्टिक के फ़ोटोज़ होते थे, प्लास्टिक की शीट होती थी ठीक है, उससे हम कहते थे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज होते थे ठीक है। तो वो जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो या प्लास्टिक के नहीं तो प्लास्टिक वाले जो होते थे उसे तो नेगेटिव फ़ोटो कहते थे, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव बात कर रहे थे ना वही कर रहे थे। तो नेगेटिव फ़ोटोज़ जो होते थे पहले वही वो चलते थे उसके, और या तो फिर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ चलते थे, कलरफुल फ़ोटोज़ नहीं थे। बाद में जो सबसे पहला मैक्सवेल जो थे इन्होंने कलरफुल फ़ोटोग्राफ जो है स्टार्ट किया था, मतलब इन्होंने ऐसा कैमरा बनाया था 1844 में। फिर आए एंटोनी फ्रांसिस जीन क्लोडेट, ये पूरा इनका नाम है ठीक है, एंटोनी फ्रांसिस जीन क्लोडेट, अब फ्रेंच मैन, यानी फ्रेंच मैन मतलब ये फ्रांस के थे। इंट्रोड्यूस पेंटिंग बैकग्राउंड फॉर ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, फिर उन्होंने इन्होंने क्या किया एक पेंटिंग बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस किया फॉर ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस के लिए ठीक है। आपने देखा होगा हम लोग बैकग्राउंड लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इन्होंने यहीं से शुरू हुआ था ये। फिर है एडवर्ड ल्यूमिनियर, ये नेक्स्ट है एडवर्ड ल्यूमियर एंड लुइस ल्यूमियर। एडवर्ड ल्यूमियर और लुइस ल्यूमियर इन्वेंटेड अ कलर मेथड कॉल्ड ऑटोक्रोम इन 1904। एडवर्ड ल्यूमियर और जो लुइस ल्यूमियर हैं इन दोनों ने एक कलर मेथड शुरू किया था जिसे हम कहते हैं ऑटोक्रोम 1904 में, 1904 में। फिर 1909 में यानी 1909 की बात करें तो एडवर्ड स्टीचेन, क्या है ये स्टीचेन, क्रिएटेड अ पिक्चर ऑफ अ मैनहट्टन बिल्डिंग यूजिंग अ गम बायोक्रोमेट प्रोसेस। गम बायोक्रोमेट प्रोसेस को यूज़ करके इन्होंने मैनहट्टन बिल्डिंग को की पिक्चर जो है, मैनहट्टन बिल्डिंग की पिक्चर है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ब्लर है यहाँ पर साफ नहीं है, उसे इन्होंने बनाया था ठीक है। फिर हमारा है नेक्स्ट इन 1976, क्या 1976 की बात करें, स्पेसक्राफ्ट विकिंग, स्पेसक्राफ्ट विकिंग फर्स्ट रिलेट द फर्स्ट कलर इमेज फ्रॉम द मार्स। ये स्पेसक्राफ्ट जो विकिंग था जिसे हमने बताया अलग अलग स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते थे ठीक है, तो जो स्पेसक्राफ्ट विकिंग है फर्स्ट उसने जो है पहली कलर इमेज जो है मार्स की भेजी थी, कब 1976 में। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था, स्पेसक्राफ्ट विकिंग। आपने अभी मैंने बताया अभी पिछले चैप्टर में कि अर्थ जो हमारी ब्लू सी दिखती है वो कैसे दिखती है, कैसे पता चला, तो स्पेस से ही वो फोटोज़ लिए गए हैं। तो स्पेसक्राफ्ट जो विकिंग था उसने पहली इमेज जो है कलरफुल इमेज जो खींची थी वो मार्स की थी, मार्स की जो सबसे पहली इमेज आई थी वो स्पेसक्राफ्ट जो भेजा गया था विकिंग फर्स्ट उसके ज़रिए। अब ये क्यों बता रहे हैं, कैमरे की बात चल रही है, स्पेसक्राफ्ट कहाँ से आ गया, तो फोटोज़ की बात चल रही है ना सिंपल अगर देखा जाए तो फोटोग्राफी की बात चल रही है, तो कलर इमेज जो मार्स की आई थी वो इसी के ज़रिए आई थी। हाईली क्वालिटी के इसमें कैमराज होते हैं, इतने हाईली क्वालिटीज़ के, इतने हाईली क्वालिटीज़ के कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर अब बात करें तो इतने हाईली क्वालिटीज़ के कैमराज कह लो या सिंपल कह लो लेंस, सारी चीज़ें लेंस पे डिपेंड होती है बच्चों, किस पे, सारी चीज़ें लेंस पे डिपेंड होती है ठीक है, लेंस पे। आपने देखा होगा कि लेंस अच्छे होते हैं, DSLR के बारे में सुना होगा, तो उसमें लोग बाग क्या करते हैं DSLR जो है महंगे से महंगे उसमें लेंस लेके आते हैं, लगाते हैं, फिर फोटोज़ खींचते हैं। ऐसे ऐसे लेंस आते हैं कि यहाँ से हम ज़मीन पर बैठकर अगर चांद के फ़ोटो खींचें तो चांद पर जो धब्बे हैं, जो चांद के स्पॉट्स हैं वो सब नज़र आ जाएंगे, इतने हाईली क्वालिटीज़ के वो होते हैं हमारे पास, मतलब लेंस बना दिए गए हैं। फिर हमारा इन 1987 फूजी कलर क्विक शॉप, फूजी कलर क्विक शॉप द फर्स्ट 35mm डिस्पोजेबल कैमरा वॉज इंट्रोड्यूस। ये सबसे पहला जो फूजी कलर क्विक शॉप जो है, सबसे पहला 35mm का, 35mm का सोचिए कितना छोटा होगा, डिस्पोजेबल कैमरा था ये जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था। डिस्पोजेबल मतलब जिसे हम डिस्पोज कर सकें ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पर, पार्ट 10 इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। अब हम कुछ इन्वेंशन और उसकी डिस्कवरीज़ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 10 और डेट तो आप लिख ही लीजिएगा, हर बार आपको बताता हूँ मैं ठीक है, पार्ट 10 और डेट वही सेम डेट। मैच द नेम्स ऑफ, मैच द नेम ऑफ इन्वेंटर्स डिस्कवरर्स विद देयर इन्वेंशंस या डिस्कवरीज। ये डिस्कवरीज़ हैं इनकी, सॉरी ये इन्वेंटर हैं यानी ये उनके नाम हैं जिन्होंने चीज़ें इन्वेंट की, डिस्कवर की, और ये डिस्कवरीज हैं जो इन लोगों ने डिस्कवर की, इन लोगों ने इन्वेंट की, वो इन्वेंट्रीज हैं ये सारी, इन्वेंशंस हैं ये सारी।
तो यहाँ पर नाम दिए हैं, यहाँ पर उनकी चीज़ें दी हैं जो जो लोगों ने बनाई है। जैसे पहला है मेंडलीव, तो मेंडलीव ने क्या बताया था, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप बच्चों ये पढ़ेंगे 9th क्लास में, आपने कभी सुना होगा एलिमेंट के नाम सुनोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन सुना होगा, कैल्शियम सुना होगा, कैल्शियम तो सुना होगा, ऑक्सीजन सुना होगा कम से कम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो सुना ही होगा। तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसकी एक पूरी टेबल है, एक चार्ट है, ठीक है, एक पूरी टेबल बनाई है। तो मेंडलीव थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो यहाँ पर फर्स्ट का हो गया ई, ठीक है, ये केमिस्ट्री में आएगा आपके, तो ई के आगे लिखिए 1। फिर कोल्ट हैं, कोल्ट हैं सेकेंड, इन्होंने क्या बनाया था, रिवॉल्वर, जो रिवॉल्वर आजकल हम यूज़ करते हैं, जो पहली रिवॉल्वर इन्होंने ही ईजाद की थी, इन्होंने ही बनाई थी, इनका नाम क्या है, कोल्ट, ठीक है, क्या बनाया था इन्होंने, रिवॉल्वर, जो हमारी गन होती है, ठीक है, रिवॉल्वर। तो सेकेंड जी लिख दी, जी के आगे लिख दिए सेकेंड। फिर है वॉल्टर हंट, वॉल्टर हंट है यहाँ पर थर्ड, तो ये वॉल्टर हंट ने बनाया था सेफ्टी पिन। अब आपको लग रहा होगा सेफ्टी पिन बनाई थी, इतनी बड़ी चीज़, आपको तो ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, इसके लिए इनका नाम आ गया। तो सेफ्टी पिन पी के आगे पहले तो आप थर्ड लिख लिए, उसके बाद आपको लग रहा होगा यार सेफ्टी पिन के लिए इनका नाम आ गया, और सेफ्टी पिन तो आज उसकी इज्जत नहीं होती, इधर उधर पड़ी होती है, तो वो आपकी गलती इधर उधर पड़ी होती है। अगर सेफ्टी पिन की बात करें तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, ठीक है, उस ज़माने में कोई ऐसी चीज़ बनाई गई जिसके बारे में लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। आजकल के ज़माने हम लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन बहुत क्या है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मगर अगर मैं 50 साल पीछे या 100 साल पीछे की बात करूं, तो उस ज़माने के अगर लोग आ जाएं और उन्हें मैं मोबाइल फ़ोन पकड़ा दूं और उसके अंदर कुछ ऐसी वीडियो प्ले कर दूं या कॉलिंग कर दूं, तो वो डरेंगे कि इसके अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है, उन लोगों के लिए वो चीज़ें नहीं होंगी। तो जब किसी के लिए नई चीज़ होती है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उस टाइम ये सेफ्टी पिन भी बहुत बड़ी चीज़ थी। फोर्थ है लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर को कौन नहीं जानता है, इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बताइए, पेस्टोराइजेशन, जिसकी मदद से हम क्या है, आजकल जो हम दही खाते हैं ना, वो पेस्टोराइजेशन के मेथड से ही खाते हैं, जो दही खाते हैं हम, दही कैसे बन जाता है, दूध के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो है उस पर ऐसे रिएक्शन करते हैं, वो खट्टा होना शुरू हो जाता है, दही बनना शुरू हो जाता है। आप ये भी पढ़े होंगे, हो सकता है 6th, 7th, 8th की बुक में आपने साइंस में पढ़ ही लिया होगा कि पेस्टोराइजेशन होता क्या है। तो पेस्टोराइजेशन ये किसने किया था, पेस्टोराइजेशन किया था लुईस पाश्चर ने, ठीक है, लुईस पाश्चर लिखा है, लुईस पाश्चर, जो भी पढ़ना है आपको। तो फोर्थ है हमारा एफ, एफ के आगे फोर्थ लिख लिए। फिर हमारा है लैनेस, लैनेस लिखा है, ये लैनेस है वैसे सिंपल, ठीक है, लैनेस जो है फिफ्थ है ये, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप तो आप जानते ही होंगे, स्टेटोस्कोप, ठीक है, स्टेटोस्कोप जो डिस्कवर किया था, ओ है ये, ओ के आगे लिख लिए फिफ्थ, लेनेस ने किया था। फिर सिक्स्थ है एलिशा जी ओटिस, एलिशा जी ओटिस ये नाम है, ठीक है, एलिशा जी ओटिस ने किया था एलिवेटर। एलिवेटर तो आप जानते ही होंगे, जो हमारी लिफ्ट होती है एलिवेटर, ठीक है, तो उसे हम एलिवेटर कहते हैं। अब ये पता नहीं कौन सा एलिवेटर है, तो एलिवेटर जो है एलिशा जी ओटिस ने किया था। सिक्स लिखिए आई के आगे। फिर आइजैक न्यूटन, इसाक न्यूटन लिखा है, आइजैक न्यूटन पढ़ते हैं इसे, आइजैक न्यूटन जो है इन्होंने, इनके नाम, इन्हें कौन नहीं जानता, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये तो आपका फिजिक्स में बुरा हाल ही कर देंगे न्यूटन जी, जब आप फिज़िक्स पढ़ेंगे ना, तो ये फिज़िक्स में इनके इतने लॉज हैं कि आप इन्हें पढ़ते पढ़ते कहेंगे कि ये क्यों इन्होंने लॉज बना दिए। चलिए देखते हैं, सेवन्थ है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने क्या बनाया था, तो इन्होंने बनाया था कैलकुलस। कैलकुलस मैथ की बहुत बड़ी ब्रांच, मतलब क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, कि मतलब कैलकुलस एक मैथ, जैसे हम बच्चों एडिशन होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसी एक कैलकुलस है, पूरा एक अलग ही चैप्टर है, अलग चैप्टर नहीं कहूँगा इसमें, पूरी एक फील्ड कहूँगा मैथ की, जो कि आप 11th 12th में पढ़ेंगे, और अगर आगे पढ़ना चाहेंगे तो भी आगे भी पढ़ेंगे। तो हमारा ए के आगे लिखिए 7th, ठीक है, कैलकुलस। फिर हमारा 8th है डाल्टन। डाल्टन भी हमारे बहुत मशहूर हमारे क्या हैं, साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था, तो एच के आगे लिखिए 8, ठीक है, इन्होंने भी एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ाया था। ये केमिस्ट्री के सिंपल कहें तो केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने रिसर्च की थी एटॉमिक थ्योरी। एटम्स को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे जाके पढ़ेंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। 9th है ऑर्विले एंड विल्बर राइट। ऑर्विले और विल्बर राइट, इन्होंने एरोप्लेन, एयरप्लेन जिसे राइट ब्रदर के नाम से, और क्या नाम है इनका, ऑर्विले राइट और विल्बर राइट, दोनों के आगे राइट आता है, तो दोनों को कहा जाता है राइट ब्रदर। इन्होंने एरोप्लेन ईजाद किया था, नॉर्मल सा एरोप्लेन था, मगर सबसे पहला एरोप्लेन जो बनाया इन्होंने ही बनाया, ठीक है। फिर है सैमुअल मॉर्स। सैमुअल मॉर्स ये आपने पहले भी नाम सुना होगा, 10th 10वां जो है सैमुअल मॉर्स, इन्होंने टेलीग्राफ कोड बनाए थे। चैडविक, चैडविक के बारे में सुना होगा आपने, ये सारे साइंटिस्ट जो हैं मैंने तो सुने हैं,
ज़्यादातर साइंटिस्ट के नाम आपने सुने हैं तो आपके ऊपर है। चैडविक, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाया था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बनाया नहीं, मतलब इन्वेंशन किया, डिस्कवरीज की, जिसके बारे में बताया, डिस्कवर किया मतलब जो चीज़ पहले से हो उसके बारे में बताया लोगों को। तो न्यूट्रॉन के बारे में बताया था चैडविक ने, ठीक है। फिर 12th है एलिसेंड्रो वोल्टा। एलिसेंड्रो वोल्ट है ये, वोल्टा ए जो है ज़्यादातर लास्ट में ऐसे साइलेंट होता है तो एलिसेंड्रो वोल्ट है ये। एलिसेंड्रो जो वोल्ट है 12th, इन्होंने क्या बनाया मतलब क्या डिस्कवर किया था? बैटरी, इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है इन्होंने ही बनाया था। 13 है चार्ल्स मैसिनटोश। क्या? चार्ल्स मैसिनटोश, टॉश है ये, एच है ना यहाँ पर। तो चार्ल्स मैसिनटोश ने क्या किया था? वाटर प्रूफ रबर बनाई थी, वाटर प्रूफ रबर। जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उसके आगे आप नंबरिंग करते जाइए। फिर हैं थॉमस एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे कि हमारे न्यूटन हैं, ठीक है, डाल्टन हैं, ऐसे हमारे थॉमस अल्वा एडिसन, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं फिजिक्स में। तो 14 है मूवी प्रोजेक्टर, जो आपका मूवी का प्रोजेक्टर होता है ना, जैसे हम प्रोजेक्टर पे मूवीज़ देखते हैं, आपने देखा होगा या हर स्कूल में ज़्यादातर होता है, उसमें प्रोजेक्टर होता है, एक बड़ा सा वाइट बोर्ड लगाते हैं, उसके ऊपर मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। तो वो प्रोजेक्टर जो है वो मूवीज़ को उस जिस मतलब टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही है, सारा टेक्नोलॉजी है। तो ये थॉमस एडिसन ने ही प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर जो है बनाया था, ठीक है। आजकल हम जो है पढ़ाई में भी इसे यूज़ करते हैं। तो 14 हो गया जे का, ठीक है। 15 है सर फ्रैंक विटल। जो सर फ्रैंक विटल, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? जेट इंजन, जो जेट एरोप्लेन होते हैं उसका जो इंजन डिस्कवर किया था, बनाया था, इन्वेंशन किया था, किसने किया था? सर फ्रैंक विटल ने। फिर है 16 और लास्ट हमारा डब्ल्यू एल जेटसन। क्या? डब्ल्यू एल जेटसन, डब्ल्यू एल जेटसन ने जिप फास्टनर जो होता है वो इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसका इन्वेंशन किया था। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के यहाँ पर फोटोज़ भी दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ साइंटिस्ट के फोटोज़ भी दिए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? अब नेक्स्ट तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 54 पे, चैप्टर नंबर 45, जो कि हमारा पार्ट 10 में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी, ये हमारा पार्ट 10 में मौजूद है आई थिंक, देख एक मिनट। तो ये वाला जो है ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स चैप्टर नंबर 45 हमारा पार्ट 11 में है, हमारा पार्ट 10 यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 44 तक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट 10। कितने चैप्टर हैं इसमें देखिए, यहाँ से चैप्टर नंबर 41 एक हो गया ये, फिर दूसरा ये हो गया 42, उसके बाद ये तीसरा हो गया 43, उसके बाद ये चौथा हो गया 44। ये चार चैप्टर हमारे पार्ट 10 में है, पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। आप जल्दी से इसके कंटेंट पर आइए, जितना इसमें याद करने का नहीं है आपका उससे ज़्यादा तो हमें एक्सप्लेन करने का है, क्योंकि ये चीज़ें समझने की ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पार्ट 10 आज कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। कितने चैप्टर थे? चैप्टर 41, 42, 43, 44, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, जो कि अभी हमने लास्ट में पढ़ाया। तो हमारा पार्ट 10 कम्प्लीट, अब हमारा एक ही पार्ट बचा है, पार्ट नंबर 11, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट टाइम हमारा जो बाकी है पार्ट नंबर 11 लास्ट पार्ट, वो हम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।